हे माय बॉयज, वेलकम बैक टू पोके इंसर्जेंस। जहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने बैटल के बीच में एंड कर दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं से हार गया था। मैं तो मैं दिखाना नहीं चाहता था कि उसके आगे क्या हुआ, थोड़ी हाइप बनाना चाहता था, पर मैं से हार गया था और मैंने ट्राई किया कि चलो इससे कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। तो आई हैव कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। पिछले मैच में ही मुझे एक इसकी याद आई, मुझे लगता है कि काम कर जानी चाहिए। और सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी। ट्राई करते हैं कि इसको इस बार हम लोग हरा दें, क्योंकि मैं कम से कम 6 या 7 बार ट्राई कर चुका हूँ उसको हराने का। तो हमेशा की तरह ये लैंटर्न को निकालती हूँ, मैं कन्फ्यूज रहे यूज़ करता हूँ और ये अपने आप को मार देता है लैंटर्न। ओके, हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। उसके बाद मैं करूँगा मेगा इवॉल्व और ट्राई करूँगा कि शैडो बॉल से इसकी काफ़ी सारी हेल्थ जाए, जो कि जाती है ज़्यादातर, तो यही होता है। ठीक है, इस बार ही हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड। थंडर वेव, दैट्स नॉट गुड, दैट्स एक्चुअली नॉट गुड। शैडो बॉल फिर से ट्राई करता हूँ, बस यही ट्राई करता हूँ कि अटैक लग जाए भाई। लूगी ऐसे निकाल दिया, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम लोग अभी पैरालाइज क्यों है बॉयज, हमको थोड़ा सही करना पड़ेगा। यह पैरालाइज हील मेरे पास है क्या? पैरालाइज हील प्लीज 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 पैरालाइज हील। ओके गुड, पर हमने एक अटैक अपना वेस्ट कर दिया इसके साथ ही, पैरालाइज हील यूज़ करनी पड़ी। तो डार्क पल से यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, पर अब मैं बस ट्राई करूँगा कि क्रिटिकल हिट ना लगे हम पर, बाकी सब सही रहेगा। कन्फ्यूज रहे ट्राई करते हैं, ठीक है। इसकी ऐसी की तैसी, वॉज फ्रोजन सॉलिड, आई किडिंग मी मैन। फिर से ट्राई करना पड़ेगा इस बैटल को यार। इस बार मैं एक ट्राई करता हूँ कि बिना एक कन्फ्यूज रे, मतलब उसको यूज़ किए हुए एक अटैक वेस्ट करते हुए, मैं क्यों ना स्टार्टिंग से ही इसको ऑफेंसिव जाऊँ, मतलब शैडो बॉल जाऊँ सीधा स्टार्टिंग से ही। एक अटैक फालतू का वेस्ट होता है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर उसको फिर टाइम मिल जाता है टॉक्सिक वॉक्सिक यूज़ करने का हम पर। कूल मैन, उस टाइम पर हमने बस ऑलमोस्ट उसको, यार क्यों यार ये क्यों होता है भाई, क्यों कुछ ना कुछ स्टेटस इफेक्ट क्यों लग जाते हैं पर बार बार यार। मैं नहीं चाहता भाई ऐसा कुछ हो, हमेशा ऐसे ही होता है भाई, पता नहीं क्यों यार। हमारे पास बर्न हील भी नहीं होगी, अब पक्का बता रहा हूँ मैं, बर्न हील नहीं है ना हमारे पास, बताओ। बर्न हील ओके है, बर्न हील है, कम से कम बर्न हील तो है, बर्न हील यूज़ करो भाई। ठीक है, मेरे को तो वैसे कन्फ्यूज़ करना चाहिए था इसको इस अटैक में, पर बर्न हील यूज़ करनी पड़ी, अब मुझे इसको हील भी करना पड़ेगा। लो, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक अटैक वेस्ट हो जाता है, एक अटैक बहुत मायने रखता है इस ऐसी बैटल्स में। इसने लूडिकोलो पे स्विच कर लिया, नॉट एक्सपेक्टेड ब्रो। ओके बट स्टिल आई विल गो विद द स्ट्रैटेजी, हम लोग वही ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग रियूक से ही मार गिराएं, दैट विल बी गुड। ओ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैन, खुद को ही मार लेगा ये, अरे बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। 2 down, 4 more to go, जस्ट 4 more to go। कौन सा पोकेमॉन आ रहा है यार, नो कर देता हूँ, लूगिया ही आ रहा था, अच्छा मैंने नो कर दिया। ओके शैडो बॉल, ड्रैगन पल्स यूज कर दी पागल ने, हट। इसको तो मुझे वैसे क्या कहते हैं, कंफ्यूज करना चाहिए, लेट मी कंफ्यूज दिस गाय। गुड 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 गुड, एंड आई हैव टू हील नाउ, हील करो भाई। अच्छा हो कि इस अटैक में खुद को ही मार ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, ऐसे तो कभी हुए ही नहीं मेरा। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो मार ही दिया उसने हमें, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, शैडो बॉल यूज़ कर लेंगे हम। अरे ये बहुत बढ़िया हुआ, ये बहुत ही बढ़िया हुआ भाई, अरे ये तो और भी बढ़िया हुआ, पर थोड़ा सा और मारना था उसको। ले भाई अब तो तू गया, अरे यार स्वम्पट, चलो कोई बात नहीं, स्वम्पट को भी मार दे तो बड़ी बात ही है भाई, स्वम्पट को ही मार दे तो बहुत बड़ी बात है। अरे भाई यार ह्यूक इज़ ऑन फायर टुडे मैन, रियूक तो भाई दे धरा था, मारते ही जा रहा है, सोच नहीं रहा कौन है आगे। लूगिया वूगिया नहीं समझता वो भाई, वो सीधा मारने पे ध्यान देता है वो, मेरे को गैलेक्स निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, देख लो तुम। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी भाई, दबे मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा था, पहले बता दूँ। ओके दिस वॉज नॉट गुड, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आराम से, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मक्की पाई में स्विच करता हूँ और इसको पहले सही करता हूँ यार, ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी इसका क्राउड राउंड भी बचा है और ये भी बचा है ना, तो मैं इसको पहले अनफ्रीज करता हूँ, मेरे पास होगी नहीं ना यार फ्रीज वाली हील, आइस हील है मेरे पास, कूल चलो, थोड़ा तो दिमाग लगाया था मैंने ये सब खरीदने में, गुड, थोड़ा मैंने सोचा था कि काम आ सकता है बाद में।
मरियो मत भाई साइकिक से, बहुत बढ़िया यार, अब तो हम लोग उसको हाइपर पोशन भी कर सकते हैं भाई, मजा आ गया। ऐसा ऐसा लग तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, क्या हो रहा है आज मेरे साथ ये बात बॉयज, वी कैन डू इट बॉयज, मजा आ गया। अरे तू मार दे इसको, तू मुझे कोई दिक्कत नहीं, मार दे तू, अब तू देख बेटा, अब तो तू देख, अब ब्रियूक तेरे को ऐसा मारेगा ना लाल हो जाओगे पूरे तुम। क्या लेगा तू, शैडो बॉल ले भाई, शैडो बॉल ले ले, चल तू तू भी क्या रखेगा, आइस बीम से भाई हमारा कुछ नहीं होता, एब्सोल्युटली नथिंग, ले बाय बाय, लूट गया बाय बाय। ये बैटल हम पक्का जीतने वाले हैं बॉयज, पक्का फुल टू पक्का जीतने वाले हैं। इसका बस एक ही पोकन बचा है राइट, या दो बचे हैं, ओके दो पोकन बचे, किंगड्रा भी बचा है, हु केयर्स अबाउट किंगड्रा, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन। तो मैं भी स्विच नहीं कर रहा, मुझे पता है कि ये पहले हिट कर सकता है, पर फिर भी मैं ड्रैगन पल्स के साथ जाना चाहूँगा, विच विल बी सुपर इफेक्टिव, एंड देयर वी गो, वन हिट, यस बॉयस वन हिट, आई एम लविंग इट। अब क्राउडाउन के साथ में हाँ मैं स्विच करूँगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि गैलेक्स वन हिट कर देता है इसको, एंड दैट्स हाउ यू बैटल बॉयस, दैट्स हाउ यू बैटल। मैंने एक ही पोकन लूज किया जिसको मैंने बेट बनाया था, और ये ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डैमेज करता नहीं मेरे को, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे। बैम लो भाई, अरे यार थोड़ा सा रह गया, चलो कोई बात नहीं, आइस बीम से ही मर जाएगा ये, तो इतना सा तो आइस बीम से ही मर जाएगा। चलो ये भी कोई बात नहीं, चलो मैम, चलो गैलेक्स मर गया कोई बात नहीं, चलो ये एक एच पी रहा कैसे भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक एच पी कैसे रह गया, तो रहा है हाँ, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ले मर जाती, ज़्यादा बन रहा था तू। हाँ चलो जी जी बॉयस, यार बहुत दिन लग गए मेरे को ये बैटल कंप्लीट करने में, सॉरी बहुत दिनों बाद इंसर्जेंस का एपिसोड लाया हूँ मैं, सॉरी इसके लिए। यू इज ट्राइंग टू लर्न लूनर कैनन भाई, क्या है ये अटैक, टेल मी, अच्छा अटैक है, डार्क टाइप अटैक है भाई, 105 डैमेज और 2 टर्न अटैक, द यूजर गैदर्स डार्कनेस देन ब्लास्ट अ बंडल्ड बीम ऑन द ब्ला ब्ला ब्ला, लिखा नहीं आया पूरा, ओके तो ड्रैगन डांस को हटा दूं मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता उसको, सच बताऊं तो चलो ड्रैगन डांस को हटा देता हूँ, सही रहेगा। यस वी डिफीटेड कर्ल लीडर ऑड्री, दैट्स व्हाट वी वांटेड, पैसे ज़्यादा दिए नहीं यार इसने वैसे जीतने के, व्हाट हाउ डिड यू, आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड, यू डिफीटेड बोथ लुगिया एंड माई क्राउडॉन्ट, क्राउडॉन तो नहीं पर हाँ तेरा स्वॉम्प पर थोड़ा मुश्किल था, फाइन आई लेट यू लिव फॉर नाउ, बट वी वॉन्ट ऋषभ, इफ यू एवर क्रॉस माई पाथ अगेन आई माइट नॉट बी सो मर्सीफुल, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, एब्सिल कर्ल्ड मूव आउट, यस हम लोग ने उसको हरा दिया है। अच्छा यहाँ पर एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल वाला मेरे पास अभी टीएम है नहीं, वैसे TMHM जो भी होता है वो मेरे पास है नहीं अभी, छोड़ो अभी हम कुछ नहीं कर सकते इधर, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस एरिया, आई डोंट थिंक के यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, पर अगर है तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है अब, मुझे लिटरली बस ये कि ये लास्ट चीज़ यही मिली थी, मुझे तो लगता है हमें सिटी वापस जाना है राइट, एक रास्ता बंद था वो खुल गया होगा अभी, ऐसे ही कुछ था शायद, हाँ होना तो ऐसी कुछ चाहिए। यहाँ पर ये मैंने नहीं देखा, यहाँ पर मैंने नहीं देखा, मुझे याद है, ओके दैट वॉज वियर्ड, यहाँ पर कोई है तो है नहीं भाई, किससे बैटल हो रही है यहाँ पर, एक सेकेंड किससे बैटल हो रही है भाई, कुछ भी मतलब पता नहीं, पर किसी से तो बैटल करा रहे हैं वो लोग अपनी, ओके ये रास्ता सच में मैंने नहीं देखा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा, कहाँ पे पहुँच गया मैं ये, और वहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है, हाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी, लेट्स सी इधर क्या है, वर्ल आइलैंड्स ही हैं यार, ऐसा कुछ खास नहीं है, हाँ यहाँ पर कुछ है ज़रूर, एस्केप रोप, ओके लेट्स एस्केप दिस प्लेस गाइस, ओकी आई एम फ्रीगिन बैक, ओके तो रास्ता कौन सा था जिसे हम जा सकते थे, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा वैसे यहाँ पर एक बंदा था ना जो कि चला गया होगा, वो यहाँ पर जो वो एक आर्टिफैक्ट था उसकी देखभाल करता था, क्या था वो, कुछ तो था पता नहीं।
ओके 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 तो यहाँ पर एक अंकल हैं, वो कुछ बोल रहे हैं जिनको मैंने एकदम से पास कर दिया था. ही केड, आई ओके, आई हर्ड दैट यू वेंट डाउन टू वर्ल आइलैंड टू चैलेंज द एब्साइल कल्ट. दैट वॉज रियली स्टूपिड. यू कुड हैव गॉटन हर्ट एंड इट्स ऑल माई फॉल्ट. आई लेट ऑर्डरी टेक दैट बेल. अच्छा, ये वही अंकल है जिससे मैं बोल रहा था कि बात करूँगा. हेयर एटलीस्ट वेरी लीस्ट यू शुड टेक वॉट आई डोंट नो. इट्स अ टोकन ऑफ माई अपोलॉजी. ओके, पोके फ्लूट दिया इसने. दैट फ्लूट कैन लेट यू वेक अप स्लीपिंग पोकेमॉन सच इज द स्नॉरलैक्स ऑन रूट 8. दैट्स गुड, क्योंकि हमें कुछ चाहिए था उसको जगाने के लिए, जो कि यहाँ पर है. अच्छी बात है भाई, हम लोग जरा अपनी फ्लूट बजाते हैं और इसको उठाते हैं. भाई बहुत ज़्यादा सो लिया तुमने, अब काम खत्म करो अपना, ठीक है, सोने होने का. यहाँ पे ज़्यादा सोने होने का नहीं, ठीक है, मेरे सामने ऐसा नहीं चलता. पोके फ्रूट क्या बज नहीं रही क्या? पोके फ्रूट भाई क्या क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है हमसे? अच्छा ओके ओके, हमें ऐसे करना है तो ऐसे बोलो ना फिर. द स्नॉरलैक्स अटैक्ड इन रेज. अरे बाप रे, कितने लेवल का है? 45 लेवल का है भाई, काम आ सकता है, पकड़ लेते हैं. बाय द वे डेल्टा स्नॉरलैक्स तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मेरे को ये अटैक ट्राई करना है. कैसा है अटैक? मैं और कुछ एपिक ट्राई, मतलब और कुछ एपिक सोच रहा था मैं, पर ठीक है, इट्स नॉट दैट एपिक जितना मैं सोच रहा था. और ये मैंने क्या किया था अभी? ओ सॉरी गाइस, आई मेंट टू डू दिस. एक तो इसमें कंट्रोल दिखाई भी नहीं देते भाई, क्या हो रहा है? सॉरी फॉर दैट. रोल आउट. अरे भाई अब तो ये बहुत बुरा मारने वाला है हमें. हाँ, रन कर सकते हैं क्या हम लोग? भाई अब ये रोल आउट से तब बुरा मारेगा ना भाई, मतलब पागल कर देगा. कन्फ्यूजर यूज करते हैं. चलो गया है, हम गए. रोल आउट तो बहुत तगड़ा अटैक है भाई, रोल आउट से पंगे नहीं लेने चाहिए. यूज नेक्स्ट पोकेमॉन. ऑफ कोर्स आई यूज नेक्स्ट पोकेमॉन. ऑरा को निकालो. ऑरा तो भाई ऐसी तैसी कर देगा इसकी, तुम देख लो भाई. ऑरा तो इसकी ऐसी तैसी कर देगा. अब मुझे इसको मारना नहीं है, पर चलो फोर्स पाम यूज कर लेते हैं, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता. ये मर गया, कोई दिक्कत मेरे को कोई, एक्चुअली सही बताऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे पास वैसे ही डेल्टा मंचलैक्स है. अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं डेल्टा स्नॉरलैक्स नहीं ले लूँगा, इसलिए मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा. पर बाय द वे यार, हील करके आना पड़ेगा इसकी वजह से. अब चलो भाई, हीला हीली तो हो गई, अब चलते हैं. यहाँ पर रूट 9 पर पहुँच गए भाई सीधा हम. ओ ये कौन है? यू आर लेट. आई एम नेवर लेट, यू आर जस्ट अर्ली. अच्छा ये दोनों लड़ रहे हैं, मुझे लगा मेरे से बोल रहा है. व्हाई डिड यू वांट टू सी मी? अरे ये तो वही है ना जो, मतलब ये फ्रैगमेंट जुड़ रहा था रिक्वेजा के साथ. आई थॉट डील वॉज फिनिश्ड. आई थॉट सो टू. देन आई मेट ऋषभ इन टेलनो टाउन. ही केम टू माई टावर एंड डिफीटेड रिक्वेजा. इट्स हिज फॉल्ट माई क्रिस्टल वॉज शैटर्ड. नॉट ओनली दैट बट ही रिमेंबर्ड नॉट अ होल लॉट बट ही न्यू हिज नेम व्हिच अलोन इज टू मच. इफ एनीवन रिकॉग्नाइजेस हिम केयर टू एक्सप्लेन. I gave you the kid. ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब मुझे क्या याद आ गया? मुझे ऑफकोर्स अपना नाम तो पता ही रहेगा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? I promised to leave you and your cult alive when I came into power. All I asked for you was to deal with one small child and yet you couldn't even do that. What went wrong? Choose your words carefully. They might be your last. Oh बाप रे, यहाँ पर तो बहुत संगीन बातें चल रही हैं. We were very close to completing the memory wipe. But before we were done, a ritual began and we were forced to leave. अच्छा ये लोग तो वो हैं यार, क्या नाम था इनका? अरे इनकी फ्लूट है मेरे पास जिससे मैं मतलब बन सकता हूँ. एब्साइल कल्ट था क्या शायद से? When I returned, he was gone. During that time, the only person recorded leaving the base was a Darkrai cultist who looked eerily similar to a member who had been sacrificed a long time ago. यार वो हम ही तो थे, वो हम ही तो थे. Are you suggesting? Yes, I believe that Rishabh has somehow been found and rescued by Mew. इनको बहुत कुछ पता चल चुका है यार. So Mew's finally decided to show its face. I could deal with them myself. It would be easy to use the media to portray them as गंदा people. मुझे इस word का मतलब नहीं पता था, पर गंदा ही होगा. But if the public found out I lost to them, that I let criminals escape, my reputation would be ruined. ओके तो मतलब अगर हमें फंसाना चाहे भी ना तो वो भी नहीं फंसा सकता हमें ये. अच्छा हुआ. आई बीन डूइंग सम रिसर्च इन टू द क्रिस्टल ऑफ द फर्स्ट ऑगर. आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई हैव अ हंच अबाउट वेयर ही मे हैव फाउंड इट. ओ क्रिस्टल किधर से मिला होगा उसको? इफ आई एम राइट
there may be a conspiracy in Torrent bigger than I could ever imagine. Naturally, I am going to investigate this. If when I come back, if you still haven't completed your end of our deal, I'll stop doing mine and bring my full wrath down your shed. यार मेरा गला खराब हो जाएगा भाई, और ज़्यादा ये सब मैं बोलता रहा तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब समझा दूँगा इसका. दर्द होने लगा भाई. I'm the anti-hero, blah blah blah. I'll do whatever I need to save the world. ठीक है. Sandman, you'll be swept aside too. Okay. तो कुछ बातें हुई इनके बीच में. हाँ तो वो चला गया. No matter, no wonder nobody likes him. If only he wasn't as invulnerable as the first ogre was, I would have dealt with him long ago. Now, who can I send after Rishab? भाई हमारे पीछे ही लोग लगाने वाले हैं यार बंदे, गलत बात है ये तो. हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं. आंटी जी आप बैटल नहीं करेंगी ना? You young ones are so passionate. अरे अरे बैटल करेंगी आप? That's not good. आंटी जी तो हार गई. बबल लेवल अप हो गया. बबल इज ट्राइंग टू लर्न व्हाट? ड्रिल पैक. ओके ड्रिल पैक तो सिखा देता हूँ, पैक हटा देता हूँ. ड्रिल पैक तो ज्यादा अच्छा है ऑफकोर्स उससे. लेट्स गो बॉयज, वी नाउ हैव अ फ्लाइंग टाइप, अच्छा वाला फ्लाइंग टाइप मूव विच इज गुड. और आगे कैसे ट्रेनर्स आने वाले हैं भाई? चुन्नू मुन्नू से ट्रेनर्स. I calculate my chance of losing at approximate 10.2%. Let's go. अच्छा बस इतना सही? मर जा मर जा मर जा. 100% chance हो गया ना losing का. I forgot to divide the variable. LOL. पागल कहीं का. ओके यहाँ से एक रास्ता है. ये क्या रिपेल है क्या? मैक्स रिपेल, गुड. एक सेकेंड, यहाँ पर कोई मुझे थोड़ा देख के चलना चाहिए. यहाँ पर कोई वो तो नहीं है यार, हिडन ग्रोटो? वरना तुम लोग दिमाग खा जाते हो. हिडन ग्रोटो छोड़ दे, तूने ये कर दिया वो कर दिया. भाई देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बाय द वे अगर तुम्हें दिखता भी हो तो भाई बताया करो यार, कमेंट्स किस चीज़ के लिए है. कमेंट्स में डाल दिया करो कि भाई इस टाइम लिख दिया करो, इतने मिनट इतने सेकंड पर वहाँ पर हिडन ग्रोटो था, तुमने देखा नहीं, ऐसे बोल दिया करो. मोबाइल नोप. ओके बहुत ज़्यादा ही ट्रेनर्स नहीं है. अरे यार इसको भी हराना पड़ेगा. अब मेरे पोकन बहुत डाउन है यार, हील करना पड़ेगा. पर ट्रेनर्स अभी भी हैं इधर यार, सबसे बड़ी बात तो. एक तो ऊपर आंटी बैठी थी, मैंने उनको भी नहीं हराया, पता नहीं कब. ओ शेट, यहाँ पर भी ट्रेनर यार. इधर भी ट्रेनर भाई, सब जगह ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स हैं. अब मेरे को हील करके आना पड़ेगा यार ऐसे तो. भाई हील करके आता हूँ यार. अरे हमारा प्यारा हलू चल रहा है इधर तो. बट सॉरी आई एम नॉट कैचिंग इट. वहाँ पर एक हिडन ग्रोटो है भाई. मुझे कैसे दिख गया हिडन ग्रोटो? कैसे? मेरी बटन जैसी आंखों से मुझे कैसे दिख सकता है हिडन ग्रोटो? कैसे कैसे कैसे? स्मॉल ओपनिंग, ऑफकोर्स आई विल गो इनसाइड. पोके बॉल है, रिवाइव. अरे भाई मैं फिर से सामान खरीदना भूल गया. चलो इसको भी हराते हैं. मेरे को लगता है कि ज़्यादा ट्रेनर सब बचे नहीं हैं यार इस रूट पर. ये बची है और एक और बचा है बस, तो काम बन जाना चाहिए हमारा आसानी से. और साथ ही साथ यार पता है ये भी फुल ट्राई चल रहा है कि मक्की पाई को भी साथ ही साथ अच्छे से लेवल अप करूँ, क्योंकि मक्की पाई इज़ अ मेन पार्ट ऑफ माई टीम और अगले जिम में काम आने वाला है. बबल यार पेंट हो गया, शेड्स, दैट्स नॉट गुड. रास्ता तो ये रहा, इन अंकल को भी एक बार हरा दूँ, अंकल भी सेटिस्फाई हो जाएंगे. चलो अब सब क्लियर है ना? हाँ चलो अब चल सकते हैं भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है. कौन सी सिटी है ये? सोनाटा सिटी. अरे ये तो वही सिटी है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप जिम था. मैं एक बार देखना चाहूँगा यार यहाँ पर कौन सा जिम था. और सॉरी गाइस ये एपिसोड थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा और बोला तो भाई फिर अगली वीडियो बनाने के लिए, अगली दो तीन वीडियो बनाने के लिए भाई गला बचेगा नहीं, जो कि मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ भाई. मेरे को ऐसा मतलब केयर करनी चाहिए थोड़ी सी. सॉरी गाइस, पर एक्चुअली मैं यहीं पर एंड करूँगा. एक बार बस यही देख लूँ कि जिम कौन सी है अगली वाली. हाँ यहाँ से होगी ना जिम, सोनाटा ट्रैक्स. व्हाट द हेल इज दैट? ये क्या है भाई? पता नहीं इन्होंने क्या क्या लगा रखा है इस सिटी में.
हमें जिम चाहिए भाई, जिम बताओ हमें। अरे घर में नहीं जाना भाई, जिम जिम कहाँ है, जिम जिम इधर है क्या? हाँ ये रही ना जिम, ये ऐसे बोलो ना भाई, कहाँ है इसका? स्टैट्स दिखाओ हमें, क्या स्टैट्स हैं इसके? सोनाटा सिटी जिम 10,000, ओ सॉरी 1,03,000 ट्रेनर्स हैव पास्ड, इट टुक एन एवरेज वन अटेम्प्ट। अरे तो ये इजी हो सकता है, लग तो भाई ग्राउंड टाइप रहा है यार जिम। एक सेकेंड इसे पूछता हूँ ज़रा मैं। दैट्स गुड लिल चैम्प, आई एम श्योर यू विल, यू डोंट नीड हेल्प एनी मोर, बट आई विल जस्ट गिव यू अ टिप, स्पेशलाइजेस इन बोथ नॉर्मल एंड फेरी टाइप्स। दैट्स नॉट गुड मैन, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। नॉर्मल और फेरी टाइप्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैं बहुत बड़ा फंसने वाला हूँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बहुत बुरा फंसूंगा। नॉर्मल टाइप्स के लिए तो चलो मैं, मेरे पास अभी है, फेरी टाइप की असली दिक्कत होने वाली है भाई, बहुत बुरी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसका पॉइजन होता है ना, पॉइजन और स्टील होता है, मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो उसकी जो दिक्कत होने वाली है वो तो भाई अपरंपार वाली दिक्कत होने वाली है। स्टील टाइप यार मैंने अभी देखा था क्या कोई स्टील टाइप? मेरे को नहीं लगता कि मेरे को, मैंने किसी स्टील टाइप को देखा हो अभी। देखता हूँ भाई अगले एपिसोड में पता चलेगा, पर तुम लोग शायद थोड़ी मदद कर पाओ मेरी, तुम लोग यार बताओ कि मुझे कहाँ से एक स्टील टाइप मिल सकता है, और वो भी अच्छी खासी लेवल का। अगर वो लेवल 45 या मतलब 40 तक का भी हो ना, तो भी मैं उसको लेवल अप करके कर दूंगा, पर कम से कम एक स्टील टाइप मिल जाए यार। तो तुम लोग थोड़ी सी इस बात में मदद कर देना, अगला एपिसोड आने में थोड़ी सी टाइम, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम ट्रेनिंग करके तो जीतेंगे यार। पर अभी तक लिए इतना ही, आई होप यू गाइस एंजॉयड, अगर तो मजा आया तो भाई लाइक मार देना, नहीं आया तो भाई डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर बताना ज़रूर कि क्यों डिसलाइक मारा, और पसंद आई तो यार तुम तो अपने ब्रोज हो, तुमसे क्या पूछना। पर बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।